रहे हैं ए न्यूज टुडे। सुप्रीम कोर्ट ने कल यानी सोमवार को आर्टिकल 370 को निरस्त करने वाले भारत सरकार के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट के फैसले के दिन जम्मू कश्मीर पूरी तरह हाई अलर्ट पर था। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी नेकम के नेताओं ने महबूबा मुफ्ती और अमर अब्दुल्ला को नजरबंद करने का आरोप लगाया। पीडीपी और नेकम के नेताओं ने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरों को शेयर करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले उमर और महबूबा नजरबंद किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने इन आरोपों को निराधार बताया है। इसके बाद देर रात नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वो अपने घर के एक हिस्से से ही बाहर झांकते हुए मीडिया से बात करते दिखे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एलजी साहब, जम्मू कश्मीर की पुलिस झूठ बोल रही है, मुझे मेरे घर में ही कैद कर रखे हैं। उमर ने अपने कुछ साथियों के भी हाउस अरेस्ट होने की बात कही है। जब उमर अब्दुल्ला से ये पूछा गया कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या प्रतिक्रिया देंगे, वो बिफर गए, कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुछ नहीं कहना है। पूर्व मुख्यमंत्री ने मीडिया की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरा मन था आज कोर्ट के फैसले पर आप लोगों से बात करूं, लेकिन मेरे घर पर सुबह कुछ पुलिस वाले आए और ताला लगा कर चले गए। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर प्रशासन और सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मुजरिम पकड़ने की इनकी हिम्मत नहीं है और मेरे घर पर ताला जड़कर चले गए। मैं कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, अपने घर में कैद करके रखा हुआ है। आप लोग इसको रिपोर्ट करिए ना पार्लियामेंट सर, पूछिए पूछिए एलजी साहब से वो झूठ क्यों बोलते हैं, पूछिए जम्मू कश्मीर पुलिस वालों से वो झूठ क्यों बोलते हैं। यहाँ आपके सामने खड़े हैं सारे, उन्होंने एक घर में मुझे सुप्रीम कोर्ट पे कुछ नहीं कहना अभी। मैं कैद होके ना इन चीजों पे आपसे बात नहीं करूंगा। आप लोग पहले सच रिपोर्ट करिए, फिर मुझसे सवाल करिए। गेट पे ताला लगा हुआ है, आपके अरेस्ट पे पूछ रहे हैं, पूछिए राजभवन से, आपके अरेस्ट पे ताला लगा हुआ है, आपके अरेस्ट पे पूछ रहे हैं। सुबह से बताया गया उमर अब्दुल्ला अरेस्ट है, अब बोल रहे हैं नहीं है, यू कैन टॉक टू द उमर अब्दुल्ला। अब देखिए ना ताला लगा हुआ है, व्हाट यू कैन टॉक टू उमर अब्दुल्ला, ताला नहीं लगा, उठाइए इसका रील। ये खड़े हैं सारे यहाँ जिन्होंने मुझे बंद करके रखा हुआ है, पूछिए जी साहब से। मीडिया पे आके उन्होंने दुनिया को झूठ क्यों बोला? पुलिस वाले अभी हर घंटे बयान दे रहे हैं कि सारा कुछ नॉर्मल है। अगर सारा कुछ नॉर्मल है तो हमें बंद करके क्यों रखा हुआ है? क्या आप इस बात से मेरे साथी सुबह से बंद है, किस लिए, कसूर क्या है हमारा? नोबडी इन्फॉर्म, ऑल आई सी इज द लॉक सिंस दिस मॉर्निंग। आप लोगों को वहाँ बंद करके रखा है, मुझे इस तरह बंद करके रखा हुआ है। झूठ बोलते हैं ये लोग। आपको कब पता चला? अब मैं गुस्से में आके गाली देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरे जबान पे आ रही है, झूठे हैं ये लोग। उमर साहब आपको कब पता चला भारत से सुबह से? जब ताला लगा सुबह 8 बजे के आसपास, जब ये लोग आए और इन्होंने अपनी हथकड़ी गेट पे लगाई। मुजरिम इनसे पकड़े नहीं जाते, हथकड़ी मेरे गेट पे लगती है। इनसे पूछिए यही हथकड़ी जाके किसी मुजरिम के ऊपर लगाए, मैं भी मानूं मुजरिम पकड़ने की इनकी हिम्मत नहीं है, दम नहीं है इनका। और यहाँ मेरे गेट पे ये ताला लगा के फिर यहाँ बयान देते हैं कि कोई बंद नहीं है। शुक्र है आप लोग आए, मेरे गेट पे आप लोगों ने ताला देखा, सुबह से ताला लगा हुआ। और एलजी साहब झूठ बोलते हैं, ये पुलिस वाले सब झूठ बोल रहे हैं। क्या मुझे क्या पता, आप इनसे पूछिए, मुझे ट्रैफिक से क्या लेना देना। आपके साथी मुश्किल से बच गए, मैं एक का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसका कैमरा छीन रहे थे ये लोग। नाम जानना चाहते हैं, कैमरा बंद करोगे मैं आपका आपको उसका नाम बता दूंगा। आप ही का साथी है, लेकिन आप उसका नाम आप तो उसको मुश्किल में डाल दोगे। विल यू कम आउट टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, इफ द बैरियर ताला हटेगा आ जाऊंगा मैं। कौन सी अपनी मर्जी से यहाँ बैठा हूँ, मुझे क्या शौक है घर में बैठने का? मैं चाहता था आप लोगों के साथ मिलूँ, बात करूँ, आज के जो डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में कुछ कहूँ, लेकिन ये लोग चाहते नहीं है कि मैं निकलूं। ठीक है ना, आज नहीं कल हो जाएगा, कम्प्लीटली इलीगल। किस आइन की बात करते हैं, किस नॉर्मलसी की बात करते हैं, ताला लगा हुआ गेट। मीडिया से बात करते हुए एक वक्त तो ऐसा आया कि उमर बुरी तरह भड़क गए। उमर ने कहा कि मैं गुस्से में आकर गाली नहीं देना चाहता, लेकिन मेरी जबान पर गाली आ रही है क्योंकि ये लोग झूठे हैं। उमर अब्दुल्ला से ये पूछने पर कि वह घर से बाहर कब आएंगे, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ताला हटेगा और वो बाहर आएंगे।
उमर ने राज्य और केंद्र सरकार के नॉर्मलसी यानी सामान्य हालत के दावे को भी खारिज किया है और कहा कि अगर हर तरफ चीजें सामान्य है तो लोगों को घर में क्यों नजरबंद किया जा रहा है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी, गुलाम नबी आजाद, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे तमाम बड़े नेता मंत्री इस फैसले को गलत ठहरा रहे हैं। तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ए न्यूज़ टुडे।